क्या आपने कभी कोई नई आदत शुरू करने की कोशिश की है और आप सिर्फ एक हफ्ते में ही हार जाते हैं? ये चीज़ हम सब लोगों के साथ हो चुकी है और ज़्यादातर टाइम ये इसलिए होती है कि जो भी आदत हम लोग अपने अंदर डालना चाह रहे हैं वो हम लोगों की अभी की आदतों से इतनी अलग होती है कि हम लोग बहुत थक जाते हैं उस आदत को लाने में। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी छोटी सी आदतें बताऊंगा जो आप अपनी लाइफ में अभी डाल सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, और ये आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। Hey guys, welcome back to LifeGyan। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइएगा ताकि आप कोई भी वीडियोस ना मिस करें। इस वीडियो में मेरा मतलब छोटी आदत से ये है कि कोई भी ऐसी आदत जो आसान हो करने में और आपको उसको करने में सिर्फ एक मिनट लगे। तो चलिए सीधे सीधे काम की बात पे आते हैं। पहली चीज़ है कि आपको अपना बेड हर सुबह सही कर लेना चाहिए। मुझे पता है कि काफ़ी लोग ऑलरेडी ये कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो बस यही छोटी आदत डालने से आपकी लाइफ बदल जाएगी। काफ़ी लोग सुबह उठते हैं बहुत जल्दी में, एकदम से उठते हैं और वो भागते दौड़ते काम पे या कॉलेज चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस माइंडसेट के साथ ये है कि हम लोग दुनिया के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, और जबकि असलियत में हम लोगों को प्रोएक्टिव रहना चाहिए और अपनी सराउंडिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए। तो आपको ये करना होगा कि सुबह उठने के बाद आपको फौरन अपना बेड सही कर लेना चाहिए, अपनी चादर वगैरह सही कर लीजिए और अपनी तकिया उसकी जगह पर रख लीजिए। ये बहुत सिंपल है और इसमें एक मिनट से कम लगेगा, लेकिन बस ये चीज़ करने से अपने दिन की शुरुआत में आपको लगेगा कि आपने कुछ अच्छा काम कर लिया, आपको लगेगा कि आपने अपने दिन का पहला काम तो खत्म कर लिया और आप अपना दिन एक पॉजिटिव नोट पे शुरू करेंगे। इनफैक्ट अगर आप ये काम कर ही रहे हैं और आपके पास कुछ टाइम बचा हो तो आप अपना रूम भी साफ कर लीजिए। आपको हर चीज साफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस चीजों को उनकी जगह पे रखने से ही आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा अंदर से और आपका दिन एकदम सही तरीके से शुरू होगा। दूसरी चीज़ है कि एक पॉजिटिव पासवर्ड रखिए। ये चीज़ एक्चुअली हर किसी को हेल्प कर सकती है। जो भी शब्द हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं ये हम लोग के माइंडसेट को इफेक्ट करता है। तो अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स लिखिए जो आपको अच्छा फील कराते हैं तो धीरे धीरे आप और ज़्यादा पॉजिटिव और खुश फील करने लगेंगे। हम लोग अपने पासवर्ड्स अपने फ़ोन और अपने लैपटॉप्स में हर रोज़ डालते हैं, तो क्यों ना हम लोग उसको कुछ ऐसा बना दें जो हम लोगों को अच्छा फील कराता है। आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, कुछ ऐसा रख सकते हैं बी हैप्पी या लव एवरीवन या कोई भी ऐसा फ्रेज जो आपको खुश रखें। जब मैंने ये करना शुरू किया तो मैंने फौरन एक डिफरेंस नोटिस किया। जब भी मैं अपना पासवर्ड डालता था मुझे याद आता था कि मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए। अब हाँ, ऑब्वियसली अपना कोई भी बहुत आसान पासवर्ड ना रखिए किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, जैसे आपका ईमेल या आपकी नेट बैंकिंग। ऐसा पासवर्ड सिर्फ छोटी चीज़ें जैसे अपना फ़ोन या अपने लैपटॉप के लिए रखिएगा और किसी को बताइएगा नहीं। और ये रखने के बाद भी उस पासवर्ड के बाद कुछ ऐसे कैरेक्टर्स ऐड कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग आपका पासवर्ड ना गेस कर पाएं। तीसरी चीज़ है कि आपको अपना पोस्चर सही रखना चाहिए। ये एक हैबिट है जो हर किसी को अभी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग अपने फ़ोन और अपने लैपटॉप्स में इतना घुसे रहते हैं हम लोगों की पीठ टेढ़ी हो जाती है और हम लोगों का पोस्चर बुरा हो जाता है। ये सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए ही बुरा नहीं है, ये आपकी कॉन्फिडेंस को भी इफेक्ट करता है। जब आप अपने शोल्डर्स को आगे रखते हैं और आपकी गर्दन नीचे होती है तो आप अनकॉन्फिडेंट फील करेंगे और अनकम्फर्टेबल रहेंगे। तो एक एक घंटे पे आप खड़े हो जाया करिए और अपनी पीठ सीधी कर लिया करिए, थोड़ा स्ट्रेच कर लिया करिए, अपने शोल्डर्स को पीछे कर लीजिए और अपने चेस्ट को आगे कर लीजिए। अगर आपकी डेस्क जॉब है या आप दिन भर पढ़ाई करते हैं तो एक रिमाइंडर लगा लिया करिए हर घंटे के लिए और आप खड़े होकर ये काम कर लिया करिए। चौथी हैबिट है कि दूसरों को कॉम्प्लीमेंट किया करिए। कभी आपको किसी ने ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया जो आपने एक्सपेक्ट ना किया और एकदम से आपका पूरा दिन बदल गया हो, तो यही गिफ्ट हम लोगों को दूसरे लोगों को भी देना चाहिए। अगली बार जब भी आप किसी से मिलिएगा उनको बस एक कॉम्प्लीमेंट दे दीजिएगा। ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरे इंसान के बारे में बस कुछ नोटिस कर लीजिए। हो सकता है वो कोई नई शर्ट पहने हो या हो सकता है उन्होंने नया हेयर स्टाइल बनाया हो, जो भी हो उसके ऊपर उनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए और उनको उस चीज़ के बारे में अच्छा फील कराइए। ये आपको भी बेहतर फील कराएगा क्योंकि आपका उस इंसान के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बन जाएगा। और लास्ट स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि बस एक स्माइल को फोर्स करिए। स्माइलिंग आपको खुश रखता है, तो क्यों ना हर टाइम आप स्माइल किया करिए। आपको कोई रीजन की जरूरत नहीं स्माइल करने के लिए। स्टडीज में यह दिखाया गया कि जब हम लोग स्माइल करते हैं या हंसते हैं बगैर किसी वजह के भी, तो हम लोगों का ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं डोपामीन, जो आपको खुश रखता है। तो अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो बस स्माइल करिए। स्माइल करिए कि आप जिंदा है, स्माइल करिए कि आप एक दिन और सांस ले सकते हैं, स्माइल करिए कि ये जिंदगी इतनी खूबसूरत है। मैं होप करता हूं कि इन 5 आदतों से आपका ये साल पिछले साल से बेहतर बन जाएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।